हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी कमिंग विद अ स्पेशल वीडियो ऑन डाउट क्लियरिंग सेशन स्पेशली फॉर द बिगनर्स, जिन लोगों को डाउट्स हैं गिटार रिलेटेड या कुछ भी, उनके लिए आज ये स्पेशल वीडियो आई एम मेकिंग। इन दिस वीडियो मैं वन बाय वन आपके डाउट्स लूँगी, उसे क्लियर करूँगी, कोशिश करूँगी क्लियर करने की। फ्यू डेज बैक मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें यू कैन प्ले 10 फेमस सॉन्ग्स ऑन वन सिंगल कॉर्ड, तो उस पर मैंने स्पेशली अनाउंस किया था फॉर द बिगनर्स टू कमेंट देयर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, सो थैंक्स टू ऑल द बिगनर्स एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। सो इन बिटवीन द वीडियो मैं कुछ रिक्वेस्ट भी लेने वाली हूँ आज। मेरे काफ़ी लविंग फॉलोअर्स हैं जो बहुत टाइम से मेरी वीडियोज पर कमेंट कर रहे हैं टू मेक अ लेसन ऑन अ सॉन्ग हमरा। दिस कमेंट इज़ बाय राखी अरोड़ा। The next request is Memories by Mr. Saurav. And in between these requests, मैं आप लोगों के doubts भी साथ साथ में clear करती रहूँगी. So please do watch this video till the end so that आपका doubt इसमें miss ना हो जाए. And especially to all the beginners, जिन लोगों ने उस video पे comment किया था, वो लोग please इस video को end तक देखना, क्योंकि मैं आपके doubts आज लेने वाली हूँ इस video में. So don't skip the video. जो सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट मैं आज लेने वाली हूँ उसको मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी, लाइक द कॉर्ड्स एंड द स्ट्रमिंग आई विल टेल यू, और मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके भी बताऊंगी सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया हाउ टू प्ले। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सबसे पहला कमेंट है साक्षी वरकाड़े का, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग। इनके दो डाउट्स हैं, तो पहले वाले डाउट पे आते हैं। द फर्स्ट डाउट इज आई डोंट हैव अ ट्यूनर, सो हाउ कैन आई ट्यून माई गिटार। ओके, या ट्यूनर मेरे पास भी है, सी दिस इज़ अ ट्यूनर, बट इसके सेल वीक हो गए हैं सो आई डोंट यूज़ इट नाउ, बट आई ट्यून माई गिटार यूजिंग अ गिटार ट्यूनर ऐप। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से यह ऐप मिल जाएगा, यू कैन इंस्टॉल दैट एंड यू कैन यूज़ दिस फॉर ट्यूनिंग योर गिटार। आई ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इनका सेकेंड डाउट है, आई हैव अ केपो बट आई हैव नॉट यूज इट बिकॉज आई एम नॉट फ्लुएंट इन चेंजिंग द कॉर्ड्स। साक्षी, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने मेरी सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने आज तक केपो यूज़ नहीं किया है कभी भी। मैं पर्सनली भी या फिर अपने ट्यूटोरियल्स में भी या अपनी वीडियोस में भी मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ केपो। केपो यूज़ करने के दो रीजंस होते हैं, एक तो पिच को हायर करने के लिए सो दैट द सॉन्ग साउंड्स गुड, एंड द अनदर रीज़न इज़ कि बिगनर्स इसको यूज़ करते हैं टू मेक द कॉर्ड्स ईजियर फॉर देम टू प्ले। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप बेसिक गिटार अच्छे से सीख लो, सारी बेसिक कॉर्ड्स अच्छे से सीख लो, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू गो ऑन टू द बार कॉर्ड्स, नॉट ऑन द केपो। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। द नेक्स्ट कमेंट इज़ बाय साई पाटिल, ये लिखते हैं ऑसम लेसन, थैंक यू। दीदी, आई हैव जस्ट स्टार्टेड गिटार प्लेइंग, एबल टू प्ले द बेसिक ओपन कॉर्ड्स बट अनएबल टू सिंग अ सॉन्ग वाइल प्लेइंग द गिटार, प्लीज सजेस्ट। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी व्हेन आई वाज अ बिगनर। द फर्स्ट सॉन्ग विच आई लर्न्ड ऑन गिटार दैट वाज तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था विद द स्ट्रमिंग। To improve this, you can do one thing. Suppose the base chord of any song is E minor, तो आप strumming पे और E minor chord पे पूरा गाना गाकर देखना। पूरा गाना जब गा लो उसके बाद chord shifting पे आना, try करना, improvement हो जाएगी। तो अब एक song कर लेते हैं, एक request ले लेते हैं by राखी अरोड़ा। She has commented हमरा song from the movie मलंग। तो मैं आपको थोड़ा सा brief दे देती हूँ राखी। I'll brief you about the chords and the strumming. आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ टू प्ले एंड हाउ टू स्विच द कॉर्ड्स। तो इस सॉन्ग के लिए क्या स्ट्रमिंग रहेगी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, दिस डाउन अप इज योर जॉइनर, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कॉर्ड यूज्ड, फोर ओपन कॉर्ड यूज हो रही हैं, ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड जी मेजर। बाकी आपको कॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तुम मिले जैसे कोई दिन थे।
content is by Sukh Shorts. Ma'am, I'm a beginner. Please make a video on left-hand guitar chords. I am getting confused with this comment क्योंकि जो chords होती हैं that are played with your left hand only. So please let me know in the comment section that I am getting your comment right or not. अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे एक proper video बनाना चाहिए on the chords only, on the open chords only, तो for sure I'll make it very soon. The next comment is by S. Tamboli. Sorry if I'm pronouncing it wrong. इनका comment है my strum doesn't sound good. This is also again a common problem. स्टार्टिंग में बिगनर्स को इतना नहीं पता होता है कि आपको स्ट्रोक्स कैसे लेने हैं, तो वो प्रॉब्लम सबके साथ होती है. तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो कि आपका स्ट्रमिंग साउंड अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है. यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रैक्टिस. द नेक्स्ट कमेंट इज़ बाय महक सांतवानी. माई गिटार स्ट्रिंग्स आर बजिंग, प्लीज़ गिव मी अ सोल्यूशन. गिटार स्ट्रिंग्स अगर आपकी बज कर रही हैं तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं. या तो आपका गिटार बहुत पुराना है, उस पर स्ट्रिंग्स काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुई हैं. दैट कुड बी अ रीज़न. एंड द सेकेंड रीज़न कैन बी कि अगर आपके गिटार के फ्रेटबोर्ड में और आपकी स्ट्रिंग्स में थोड़ा गैप आ गया है, ड्यू टू दैट ऑल्सो ये प्रॉब्लम होती है. सो द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज़ कि आपको बाहर से गिटार ठीक कराना पड़ेगा. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ कमेंट्स. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया ऑन दैट वीडियो विच आई मेड स्पेशली फॉर बिगनर. काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का एंड आई रियली होप कि आप लोगों के डाउट्स मैं क्लियर कर पाई आज. इफ़ येस देन प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. आई थिंक आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो चलते हैं अपनी सेकेंड रिक्वेस्ट की तरफ. दैट इज़ मेमोरी फॉर द सॉन्ग मेमोरीज. जो स्ट्रमिंग पैटर्न है आपका सेम रहेगा, आपको सेम स्ट्रमिंग पैटर्न फॉलो करना है. फॉर द सॉन्ग मेमोरीज यू हैव टू फॉलो द कॉर्ड्स ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर एंड एफ शार्प माइनर. मैं ई मेजर पे प्ले करूंगी बिकॉज दैट्स माई स्केल. स्पेशल थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स जिन लोगों ने कमेंट किया, जिन लोगों ने अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखे. आई रियली फेल्ट गुड अबाउट इट. कीप डिमांडिंग, स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जाने कहाँ.